में नगर निगम अमृत मिशन के काम में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे लेकर आयुक्त और नगर निगम सभापति के बीच में ठन गई है। निगम बेतरतीब ढंग से सड़क की खुदाई कर रहा है, उसने पानी की पाइपलाइन को भी ध्वस्त कर दिया है। इसी के साथ ही टेलीफोन की केबल भी काट दी गई है। नगर निगम के सभापति ने नगर निगम के इंजीनियरों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पाइपलाइन डालना है तो पाइपलाइन डालने के लिए हमको खोदना ही पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस कार्य को कंप्लीट करके और वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम कर सकें। और जो रिहायशी इलाका है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बरसात से पहले वहाँ के काम को, या जो बाजार वाला एरिया है वहाँ के काम को कम्प्लीट किया जाए ताकि बरसात में वहाँ पर प्रॉब्लम न हो। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार शैलेंद्र पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दो अलग अलग विभागों के जो मुखिया है उनके बीच में तनातनी के क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? नगर निगम दोनों एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की है और एक वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन ये दोनों के बीच की जो तनातनी की स्थिति है इसका सबसे नुकसान जो है वो सीधे तौर पे पब्लिक आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये खुदाई चल रही है, हालांकि ये 5-6 साल से खुदाई चल रही, लगातार काम चल रहा है, और नगर निगम का ये तरीका ही है काम करने का। नगर निगम बिलासपुर नगर निगम की एक पहचान है कि बेतरतीब काम करना, अगर किसी बात की कोई शिकायत करता है तो उसको बताया जाता है कि अधिकारी जाते हैं और काम होता है और निगरानी रखते हैं, लेकिन जमीन में सच्चाई नहीं रहती। लेकिन क्योंकि पब्लिक भुगतती है, उसको पाइपलाइन फूट गई, केबल के हजारों कनेक्शन, उसमें कई हजार कनेक्शन जो है कट गए, और ये पहली बार नहीं है, ये होता आया है, तो इस तरीके की लापरवाही जो दिखती है तो सभापति की नाराजगी स्वाभाविक है, और बहुत कुछ चूंकि पब्लिक उनके पास शिकायत करने पहुंचती है, तो ऐसे में जो शिकायत है सभापति की जेनिन है, और कहीं ना कहीं उनको लोगों ने शिकायत की होगी, उसके बाद हालांकि नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि वो लोग रहते हैं, अधिकारी जाते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मौजूद रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति वहां दिखती नहीं है, मजदूर के अलावा कोई दिखता नहीं। अब लेकिन कागज में अगर देखें तो चीजें बहुत अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, लेकिन जब तकलीफ है वो लोगों को तक पहुंच रही, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो नगर निगम की असर जाहिर है, ऐसी तनातनी का असर आम जनता में भी होगा। ऐसे में आपने सभापति और आयुक्त तो दोनों से अलग अलग बातचीत करने की कोशिश की, दोनों ही तरफ से क्या तर्क सामने आए शैलेंद्र? आप दोनों से हमने बात की है तो सभापति ने तो नाराजगी जाहिर की है, सभापति ने तो यहाँ तक कहा है कि शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है, तो ऐसे में अब उनके पास शिकायत आएगी तो वो कार्रवाई सीधे अधिकारियों के खिलाफ करने की बात रिकमेंड करेंगे, सरकार से बात करेंगे, सरकारी विभागीय मंत्री उनसे बात करेंगे और शिकायत के लिए कहेंगे, क्योंकि लोग इससे परेशान हो रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर, और जो नगर निगम की सफाई सीधे तौर पे है कि काम होता है, और अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो जल्दी से बरसात भी आ रही है, तो उनकी भी एक सफाई अपनी है कि काम जल्दी करना है, लेकिन काम जल्दी करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाते हुए आम लोगों को परेशानी में डालते हुए करना है। काम जल्दी करना अच्छी बात है, लेकिन लोगों को परेशानी में डाल के और काम का ऐसे में जो बजट है वो बढ़ता भी है, तो ये दोनों ही चीजें घातक है, इसलिए तो नगर निगम का, लेकिन कमिश्नर का ये कहना है कि वो जल्दी काम कराना चाहते हैं, तो इससे बरसात से पहले काम हो जाए ताकि लोगों को बरसात से बचाना है, इसलिए काम। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो नगर निगम सभापति और आयुक्त के बीच की तनातनी, जैसा कि शैलिंग भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दोनों ही विभाग के जो अपने आप में मुखिया बने बैठे हैं उनके बीच तनातनी का असर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कार्य में लेट लतीफी भी सामने आ रही है और इससे काम में नुकसान भी सामने आ रहा है। और ज्यादा बातचीत की नियमा साथ खुद सभापति इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शेख नजीमुद्दीन जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार जी। नजीमुद्दीन जी, जैसा कि दूसरे विभाग की तरफ से यानी आयुक्त की तरफ से जो तनातनी आपके विभाग में चल रही है उसको उसके ऊपर उन सब बातों को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि इन सब का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसमें कहा तनातनी के लिए जो मोहरत काम कर रहे हैं शहर में, जी तनातनी नहीं चल रही, जिस प्रकार की तनातनी है इतनी मोहरत काम चल रही है। हाँ, जो काम चल रहा है अभी अमृत मिशन योजना में उसमें थोड़ा सा लापरवाही उनके साइड यूनियन के द्वारा किया जा रहा है, जिसके हम महापौर जी दोनों स्वयं गए थे,
और गाड़ी चेक किए हैं, उसमें हम लोग दिए हैं कि काम को सही तरीके से किया जाए करके जी। और काम में जो लापरवाही बरती जा रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? लापरवाही नहीं, उनको सलाह दी जा रही है कि काम को तरीके से करिए और एक काम करने के बाद पहले पाइप डालिए। आरोप ये भी है कि टेलीफोन की जो केबल्स हैं उनको काफी नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, वो क्या है, जो रात में खुदाई करते हैं लोग ना, तो रात में खुदाई करने के लिए मना किया गया है, रात में कोई रहता नहीं है, मॉनिटरिंग होती नहीं है जी। और जो खुदाई करते हैं उसे केबल के द्वारा पाइप लाइन में टूट जाता है, इसलिए दिखाई महापौर द्वारा मेरे द्वारा दिया गया है। नजीमुद्दीन जी, घुमा फिरा के देख लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का ही इसमें नुकसान हो रहा है, या यूँ कह लीजिए कि सरकार का इसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस बात को तो सत्ता पक्ष ने उठाया, मैंने उठाया ना, ये काम विपक्ष का है, विपक्ष है कहाँ, जो काम विपक्ष रहा है वो काम हम पशु वाले कर रहे हैं, शर्म आ गई विपक्ष। लिखित में शिकायत कर देते आप? नहीं, लिखित में क्या, हम मौके कर देते, पर अधिकारी है, नगर निगम हमारे अंडर पे है, मौके का मुआयना किए, महापौर जी हम दोनों गए हैं, देखिए मौके पे जाके देख के लगा कि काम गड़बड़ है, उनको दिशा निर्देश दिए हैं। नजीमुद्दीन जी, माफी चाहूंगी, लेकिन ये आपकी घर की तनातनी नहीं है, ये सरकारी कामकाज में भी कहीं ना कहीं आपकी तनातनी का असर आम जनता या उनकी रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा। अगर आपके घर की ये तनातनी होती तो फिर भी समझ में आता है, ये विभागों की तनातनी है, ये बाकी चीजों में भी फूट डालने का या काम को खराब करने का काम कर सकती है। काम हम करते, काम खराब नहीं हो सकता, और भारतीय जनता पार्टी के समय में 15 सालों में काम खराब हुआ है, और ये जो अमृत मिशन में जो काम है ये अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ के जो अमर अग्रवाल जो है चुनाव से 1.5 साल पहले काम को बंद करा दिए, अगर 1.5 साल पहले काम हो गया होता तो शायद आज जो नुकसान हुआ है उसका क्या, जो नुकसान है उसका क्या? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो अमर अग्रवाल ने करके चले किया, पूर्व मंत्री जो थे, अमृत मिशन योजना का काम को 1.5 साल में उन्होंने बंद करा दिया, 1.5 साल काम नहीं बंद कराए होते तो शायद गर्मी पानी अभी तक नीना शुरू हो गया होता पूरी जनता को जी। तो काम नुकसान तो उन्होंने कराया, हम तो काम करा रहे हैं। चलिए नजीमुद्दीन जी, अपना तर्क रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली खबर